बेटा दिखाई दे रहे हैं सबको? बेटा सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रेडियोग्राफिक कैसेट्स। कल हमने फिल्म की बात की ना, रेडियोग्राफिक फिल्म की बात की, और आज हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक कैसेट। कैसेट तो जानते हो, अगर तुम कैसेट अगर सुनते हो तो नाम वो माइंड में एक आता है, कैसेट, जिसमें पहले के टाइम में क्या करते थे, गाने स्टोर करके सुनते थे ना कैसेट। उसी तरह रेडियोग्राफी में भी इमेजेस को स्टोर किया जाता है कैसेट के थ्रू। तो आज का टॉपिक है हमारा रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट। ठीक है, तो अब हम रेडियोग्राफिक कैसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि हमारा रेडियोग्राफिक कैसेट होता क्या है, ठीक है, और इसका यूज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कैसेट, ठीक है। ए रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट इज ए रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लास्टिक या मेटेलिक कंटेनर यूज टू होल्ड एक्सरे फिल्म, ठीक है। तो रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट्स क्या होती है? रेडियोग्राफिक फिल्म एक तरीके रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लास्टिक या मेटेलिक कंटेनर होता है, जिसके अंदर जो एक्सरे फिल्म है वो प्रेजेंट होती है, या ये कह लो कि जो रेडियोग्राफिक कैसेट्स होते हैं उसके अंदर एक्सरे फिल्म अटैच होती है, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो जो हमारा रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट है उसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, और वो प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटेलिक की भी हो सकती है, जिसके अंदर हमारे एक्सरे फिल्म की इमेजेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मतलब एक्सरे इमेजेस अगर अगर वो फिल्म यूज नहीं हुई है तो क्या होगी, खाली होंगी। अगर यूज है तो उसमें इमेजेस होंगी, तो मतलब वो एक्सपोज भी हो सकते हैं और अनएक्सपोज, मतलब एक्सपोज का मतलब उस पे एक्सरे लाइट पड़ चुकी होगी, या अनएक्सपोज मतलब उस पे रेज की लाइट नहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो जो कैसेट्स होता है उसके ही अंदर हमारी एक्सरे फिल्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इंटेंसिफाई स्क्रीन इन क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट विथ वन अदर, और उसके साथ साथ इंटेंसिफाई स्क्रीन भी अटैच होगी, ठीक है। एक साइड में क्या होगी, इंटेंसिफाई स्क्रीन भी अटैच रहेगी। अब बात करते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की। हमारे जो रेडियोग्राफिक जो कैसेट्स हैं या रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट्स हैं उसका फंक्शन क्या है? तो अगर हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो चीज हमारे पास है, ये कोई भी आर्टिकल्स इक्विपमेंट है, उसका वर्किंग क्या है, वो हम क्यों यूज करते हैं। तो बात आती है कि फंक्शन की, हमारे रेडियोग्राफिक कैसेट का फंक्शन क्या है। तो नंबर वन है होल्ड इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, मतलब जो हमारे कैसेट्स होती हैं वो इंटेंसिफाई स्क्रीन, कल हमने रेडियोग्राफिक फिल्म के बारे में पढ़ा था ना, तो क्या है जो हमारी कैसेट्स है वो इंटेंसिफाई स्क्रीन को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, और खराब होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि कैसेट्स की वजह से जो हमारे ये फिल्म्स होती हैं उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते, मतलब कुछ भी हो जाए उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते, डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते, तो हमारी जो कैसेट्स होती हैं वो हमारे इंटेंसिफाई स्क्रीन को भी सेव रखती है और साथ साथ उसे बचाती भी, मतलब उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट रखती है ताकि जो इमेजेस है उसमें प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है एक्सक्लूड ऑल लाइट फ्रॉम एंटरिंग द कैसेट एंड फॉगिंग द फिल्म, मतलब और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी कैसेट्स है वो जो लाइट पड़ती है ना उसको क्या करती है, रोक देती है, ताकि फिल्म में जो हमारी एक्सरे फिल्म है उसमें फॉग ना हो, क्योंकि अगर फॉगिंग हो गई तो फिल्म खराब हो जाएगी। तो फिल्म पे फॉग होने से रोकने के का भी काम करती है, ठीक है। क्यों और वो कैसे रोकेगी, लाइट को रोकेगी, ठीक है, लाइट को आने से रोकेगी, जिसकी वजह से जो हमारी फिल्म है उस पे फॉग नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो इमेजेस होगी या जो हमारी नॉर्मल अनएक्सपोज्ड फिल्म होगी वो भी सेफ रहेगी। नेक्स्ट है
मेंटेन ए क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट बिटवीन फिल्म एंड स्क्रीन, और साथ साथ वो हमारे फिल्म और स्क्रीन के बीच जो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, एक तो मेन बात है मेंटेन द क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट, जो हमारे फिल्म और इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में जो जो मतलब कनेक्शन है या क्लोजनेस है उसको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लूड डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है, और साथ साथ वो डस्ट और डर्ट को भी क्या करती है, रोक देती है, कहाँ से, सेंसिटिव स्क्रीन से रोक देती है, जो हमारे सेंसिटिव स्क्रीन जो है उस पे डस्ट और डर्ट को आने से रोक भी देती है। एक्ट एज मीडियम फ्रॉम एक्सपोजर अप टू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म, और ये जो रेडियोग्राफिक कैथेट्स है वो एक एक्सपोजर मीडियम का भी काम करती है जो हमारी फिल्म प्रोसेसिंग में यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे रेडियोग्राफिक कैथेट्स की फंक्शंस है। बेटा समझ में आया सबको? अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द आइडियल कैसेट्स की, हमारे जो हम रेडियोग्राफिक कैसेट्स यूज करते हैं उसकी कैसे फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर वन है लाइट वेट टू फैसिलिटेट इजी हैंडलिंग एंड कैरी, मतलब जो रेडियोग्राफिक फिल्म है, जो रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट है उसका जो वेट है हल्का होना चाहिए जिससे वो आसानी से हैंडल आ सकते हैं, मतलब से हैंडलिंग कर सकते या उसको कैरी कर सकते हैं। हल्का वेट होगा तो उसे कोई भी ढंग से हैंडल कर सकता है, कैरी कर सकता है। अगर भारी होगा तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, कैसेट छूट के गिर सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा कैसेट का जो वेट होता है वो हमेशा लाइट होना चाहिए, लाइट वेट होने की वजह से हैंडलिंग और कैरिंग में इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टू ओपन एंड क्लोज अंडर लो लाइट कंडीशन, और उसको लो लाइट कंडीशन में आसानी से खोला या बंद किया जा सकता, ठीक है। तो कैसेट के फीचर्स है कि उसको अंधे मतलब कम लाइट में भी आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है, ठीक है। नो शार्प एज या कॉर्नर विच मेड इंजरी पेशेंट या स्टाफ, और जो कैसेट्स होते हैं उनके जो एजिस या कॉर्नर होते हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए वरना वो पेशेंट या स्टाफ को इंजर्ड करा सकती है, ठीक है। इसलिए कैसेट्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए, इससे चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड टू विथ स्टैंड फिजिकल डैमेज फ्रॉम डियर वियर एंड टियर, मतलब जो क्या है कैसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए जिसकी वजह से वो मतलब डेली रखरखाव में वो डैमेज ना हो सके, ठीक है। तो वो हमेशा जो कैसेट्स है वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड होना चाहिए, ठीक है। द फ्रंट पार्ट मस्ट प्रोवाइड मिनिमम बीम एटेन्यूएशन, जो कैसेट्स का जो फ्रंट पार्ट है वो मिनिमम बीम एटेन्यूएशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, ज्यादा प्रोवाइडेड नहीं, जो बीम एटेन्यूएशन है वो कम प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड उसकी जो थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, हैव नो इरेगुलरिटी, और उसकी जो रेगुलरिटी है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो कैसेट्स है वो उस वो ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ मिनिमम बीम एटेन्यूएशन कर सके, थिकनेस तो हो लेकिन उसकी शेप या जो भी है वो इरेगुलर ना हो, तो इसमें इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल रियर सरफेस मस्ट बी हैव एडुकेट लेयर ऑफ लीड फॉइल अटैच टू मिनिमम द रिस्क ऑफ बैक स्कैटर, जो मतलब जो बैक स्कैटर मतलब कह लो जो रेस पड़ती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए रोकने के लिए उसके इंटरनल सरफेस पे लीड फॉइल की लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है। लीड फॉइल की जो लेयर्स है उसके इंटरनल सरफेस पे अटैच होनी चाहिए जिसकी वजह से बैक स्कैटर मतलब वापस जो बैक स्कैटर आते हैं ना वापस रेज स्कैटर्ड हो जाती वो ना हो सके, उसको रिस्क को रोकने के लिए हमेशा कैसेट के इंटरनल जो सरफेस है उस पे लीड फॉइल लेयर लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैसेट कंस्ट्रक्ट
Action should be so that there is uniform contact between film and screen by the use of foam sponge. मतलब जो कैसेज है उसको इस तरह बनाना चाहिए कि अगर फिल्म और स्क्रीन के बीच में अगर कोई भी कॉन्टेक्ट होता है किसकी वजह से फॉर्म स्पॉन्ज की वजह से वो हो ढंग से हो सके. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी इन रेंज ऑफ फिल्म साइज और फिल्म के अकॉर्डिंग. जैसे फिल्म होती है छोटी होती है बड़ी होती है और भी बड़ी होती है तो जो फिल्म है उसका एक मतलब एक एक साइज नहीं होता अलग अलग साइज है. जैसे कि अगर हम डेंटल के पास जाए तो डेंटिस्ट एक छोटा सा भी हमें एक्सरे फिल्म दिखाता है और बड़ा साइज. तो फिल्म की साइज के अकॉर्डिंग ही मार्केट में ये जैसे भी है कैसेट्स के साइज भी अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है इतना समझ में आया बेटा इतना समझ में आया सबको. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट. जो कैसेट्स है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए. ठीक है तो कंसिस्ट ऑफ फ्रंट एंड बैक हैंग ऑन वन एज. मतलब उसका फ्रंट और बैक क्या है आपस में जुड़े होने चाहिए. ठीक है जैसे कि हम जैसे मान लो जैसे कि हम फाइल यूज करते हैं तो फाइल में क्या होता है आगे और पीछे का जो पार्ट होता है वो एक 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 जगह अटैच होता है ना एक साइड से अटैच होता है. तो उसी तरह जो हमारी कैसेट्स होते हैं उसका फ्रंट और बैक जो है आपस में जुड़े होने चाहिए एक साथ जुड़े होने चाहिए वो भी एक साइड दोनों साइड नहीं. ठीक है थिन शीट ऑफ लीड फॉइल अटैच ऑन द बैक साइड विच इज फर्दर अटैच टू द प्लास्टिक फॉर्म प्रेशर पैड. एंड मतलब जो थिन शीट है वो हमारे इंटरनल जो सरफेस है वहां पे क्या होनी चाहिए फॉइल लीड क्या है लीड फॉइल अटैच होनी चाहिए बैक साइड में अटैच होनी चाहिए विच इज फर्दर अटैच टू प्लास्टिक फॉर्म. जो फिर बाद में किससे अटैच होंगे वो प्लास्टिक फॉर्म प्रेशर से अटैच होंगे. ठीक है विच इज अटैच टू द प्लास्टिक फॉर्म प्रेशर पैड से अटैच. मतलब एक एक मतलब पीछे की साइड होगा मतलब लगेगा लीड फॉइल लगेगा और लीड फॉइल के पीछे प्लास्टिक फॉर्म प्रेशर पैड लगा होगा. ठीक है जिसकी वजह से जो हमारी फिल्म है वो सेफ रहेगी. नेक्स्ट है द फ्रंट आल्सो रेफर एज कैसेट वॉल कंटेन फ्रंट. ठीक है जो फ्रंट है उसको हम कैसेट वॉल के नाम से भी जानते हैं एंड शॉर्ट लीड ब्लॉकर यूज फॉर पेशेंट आइडेंटिफाई. और उसके अंदर हम शॉर्ट लीड ब्लॉकर का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि पेशेंट कौन है. ठीक है अब ये देखो ये हमारे एक्स ये कैसेट्स है तो इसमें देखो लीड ब्लॉकर लगा हुआ है साइड में. ठीक है इंटेंसिफाई स्क्रीन लगी हुई है हिंग है दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों हिंग से जुड़े हुए हैं. फॉर्म प्रेशर पैड वो ऊपर लगा हुआ है मतलब. ठीक है उसके बाद इंटरनल देखो लीड फॉइल लगा हुआ है. ठीक है लीड फॉइल है उसके ऊपर हमारी बैक इंटेंसिफाई स्क्रीन लगी हुई है. सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटा सबको. बेटा दिखाई दे रहा है आप ये देखो अगर हम फ्रंट की बात करें फ्रंट में पता है देखो फ्रंट में इंटेंसिफाई स्क्रीन लगी हुई है लीड ब्लॉकर लगा हुआ है. ठीक है एक साइड तुम्हारे लेफ्ट साइड में. अब राइट साइड देखो राइट साइड में थ्री लेयर से देखो ऊपर है पहली लेयर से उसपे बैक इंटेंसिफाई स्क्रीन है उसके नीचे फॉर्म प्रेशर पैड लगा हुआ और उसके भी नीचे लीड फॉइल्स लगी हुई और उसके सबसे ऊपर लगा है स्लाइडिंग शटर टू यूज विद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कैमरास. ठीक है ये हमारा क्या है ये हमारी कैसेट्स है जिसमें हम फिल्म को सेफ रखते हैं. ये तो देखा ही होगा ना अगर तुम कभी भी हॉस्पिटल गए होगे या एक्सरे डिपार्टमेंट में कहीं गए होगे तो उनके हाथ में एक मतलब प्लास्टिक का या मेटेलिक का कुछ रेक्टेंगल वो लेके आते हैं उसी में फिल्म रहती. देखा होगा कभी देखा है किसी ने. यस मैम. ठीक है तो वो हमारी कैसेट्स होती है. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. रेंज ऑफ लॉकिंग मेथड आर यूज्ड फॉर स्प्रिंग क्लिप टू स्लाइड लॉक बार व्हिच सर्व टू एक्सक्लूसिवली लाइट इट अलोंग टू फॉर्म पैड मेंटेन क्लोज कांटेक्ट बिटवीन फिल्म एंड. मतलब कहने का मतलब है इसमें लॉकिंग मेथड का मतलब यूज किया जाता है ताकि और उसमें क्लिप का भी यूज किया जाता है ताकि जो लाइट है ना वो क्या कर सके वहां से हट सके. ठीक है और साथ साथ जो मतलब जो फॉर्म पैड है वो फिल्म और स्क्रीन के बीच जो वो कॉन्टेक्ट है उनको मेंटेन करके रख सके.
ऑल द इंटरनल मटेरियल प्लास्टिक सरफेस आर गिवन ब्लैक कोटिंग टू प्रिवेंट इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शन. और साथ साथ जो हमारी कैसेट्स होते हैं उनके इंटरनल इंटरनल साइड, चाहे वो प्लास्टिक की हो या मेटल की हो, तो जो उसकी इंटरनल सरफेस होते हैं वहां पे हम ब्लैक कलर की कोटिंग करते हैं ताकि जो लाइट है इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शन ना कर सके. ठीक है. टू इंश्योर गुड फिल्म स्क्रीन कॉन्टेक्ट ए स्लाइटली कर्व कैसेट बैक इज यूज्ड व्हिच मिनिमाइज फोटोग्राफिक अनशार्पनेस. उसके बाद ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो फिल्म और स्क्रीन है वो मतलब आपस में कर्व शेप, कर्वली क्या है, आपस में कॉन्टेक्ट होनी चाहिए जो कर्व कैसेट है, जिसकी वजह से क्या है फोटोग्राफिक अनशार्पनेस को मिनिमाइज किया जा सके. अब बात करते हैं मटेरियल यूज इन कैसेट कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से मटेरियल हम कैसेट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं. ठीक है. तो है नाउ दे फॉर लाइट वेट कैसेट डिजाइन एंड सिंथेटिक मटेरियल आर यूज. आज के टाइम में हम लाइट वेट कैसेट का यूज करते हैं जो सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसमें हमारे हैं कैसेट फ्रंट. ठीक है. अगर हम कैसेट फ्रंट की बात करें तो है इसमें इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बीम एटेन्यूएशन, मतलब जो इसमें जो कैसेट फ्रंट है उसका मेन काम क्या है, बीम एटेन्यूएशन को क्या करना, मिनिमाइज करना. तो कैसेट फ्रंट शुड कंफर्म टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड. जो कैसेट होगी वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अंडर ही बनेगी. इट इज स्टेट दैट इफ मेटल इट शुड बी, अगर ये मेटल की है इट शुड हैव AL equivalent of not more than, और उसका जो AL equivalent है वो 1.6 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए when used to 60 kp या, और अगर प्लास्टिक का है तो no more than 0.2 mm और AL equivalent के से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर मेटालिक उसका फ्रंट पार्ट है तो 1.6 mm से ज्यादा उसका AV equivalent नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्लास्टिक का है तो 0.2 mm AL equivalent के से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब नेक्स्ट है मेटल. एग्जांपल में एल्युमिनियम, प्लास्टिक लैमिनेटर या कार्बन फाइबर आर मटेरियल कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज. जो हमारी कैसेट्स होती है कैसेट्स में मेटल यूज करते हैं. मेटल में कौन, एल्युमिनियम, मेटल, प्लास्टिक, लेमिनेट या कार्बन फाइबर का हम यूज करते हैं कैसेट को बनाने में. और इसके क्या क्या फायदे हैं, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती रहती है, मजबूत रहती है कैसेट, इसकी वजह से वेट हल्का रहता है, लाइट वेटेड होती है, लो बीम अब्जॉर्प्शन, ये लो मतलब बीम को बहुत ही कम अब्सॉर्ब कर पाते हैं. यूज ऑफ कार्बन फाइबर कैसेट कैन मीन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेशेंट डोज. और अगर हम कार्बन फाइबर कैसेट का यूज करें तो पेशेंट को जो डोज हम देते हैं ना तो उसमें रिडक्शन होने लगेगी, मतलब कमी होने लगेगी रिडक्शन पेशेंट डोज बिकॉज ऑफ देयर लोअर बीम एटेन्यूएशन. क्यों, क्योंकि कार्बन फाइबर का लोअर बीम एटेन्यूएशन होता है. ठीक है. लोअर बीम एटेन्यूएशन होने की वजह से पेशेंट को जो डोज देंगे उसमें भी कमी आएगी. अब बात करते हैं कैसेट बैक, मतलब अब पीछे की बात करते हैं. अभी हमने क्या बात की, अभी हमने फ्रंट का पढ़ा उसके बारे में बात की. तो है जो कैसेट का बैक है वो कैसा होना चाहिए, मे बी मेटालिक, मेटल या प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन. जो कैसेट का बैक होना चाहिए वो भी मेटल या प्लास्टिक प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए. एंड लाइन विथ लीड फॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक स्कैटर. और उसके पीछे क्या लगा होना चाहिए, लीड फॉइल. ठीक है. लाइन विथ लीड फॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक स्कैटर रेडिएशन. और मतलब उसके पीछे हम लेड फॉइल लगाते हैं ताकि जो बैक स्कैटर रेडिएशन है वो क्या हो जाए, उससे बचाव हो. ठीक है. नेक्स्ट है बीएस रिकमेंडेशन स्टेट, मतलब ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश रिकमेंडेड स्टेट दैट इट शुड हैव लीड इक्विवेलेंट ऑफ एटलीस्ट 0.12 mm. और उनके अकॉर्डिंग जो लेड का इक्विवेलेंट है वो कम से कम 0.12 mm होना चाहिए व्हेन यूज्ड विद 150 केवी इक्विवेलेंट. और जब हम 150 केवी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो कम से कम वो 0.12 mm तक का होना चाहिए. अब हम बात करते हैं
कैसेट फिटिंग की, कैसेट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, क्लिप या फास्टनर, यूजली स्टेनलेस स्टील, जो उसमें क्या होगी क्लिप्स लगी होगी नहीं तो फास्टनर लगा होगा, जो क्या मोस्टली स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी, हिंग्स मतलब फ्रंट और बैक आपस में जुड़े होते ना हिंग, वो कैसा होना चाहिए, अगर मेटल का है तो मेटेलिक होगा, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का होगा, प्रेशर पैड कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक फॉर्म स्पंज होने चाहिए, मेटेलिक हो या प्लास्टिक हो उसके अंदर जो प्रेशर पैड होगा वो प्लास्टिक फॉर्म स्पंज होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैसेट्स अवेलेबल, मतलब किस तरह की कैसेट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कैसेट्स। तो नंबर वन आता है हमारा सिंगल स्क्रीन कैसेट्स, तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना सिंगल स्क्रीन फिल्म, ठीक है, तो ये है हमारा सिंगल स्क्रीन कैसेट्स। तो उसमें क्या हैव ए सिंगल, जो क्या होगी सिंगल होगी, डिजाइन टू बी यूज विद सिंगल साइड इमर्शन फिट, और ये किसके लिए यूज किए, जो फिल्म सिंगल साइडेड इमर्शन फिल्म होगी ना, जो एक साइड मतलब सिंगल साइड में जो इमर्शन लगा होगा फिल्म पे, उसके लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन मैमोग्राफी, और सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, मैमोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल स्क्रीन कैसेट, तो डबल स्क्रीन है तो इसमें क्या है दोनों तरफ स्क्रीन होगा, ठीक है, हैव स्क्रीन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्रीन ऑन होगा विद विद डबल साइडेड इमर्शन फिल्म, और फिल्म के दोनों साइड में इमर्शन लगी होगी। यूज इन जनरल रेडियोग्राफी, और सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है, रेडियोग्राफी में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट कर्व कैसेट, अभी हमने बात की ना कर्व कैसेट, कर्व होनी चाहिए, तो कर्व कैसेट्स कैसी होती है, इंटरनली कंस्ट्रक्ट एज कन्वेंशनल कैसेट विद डबल साइडेड, मतलब ये ऐसे ही बनी, इस तरह बनी होती है कि इसके डबल साइडेड, ये दोनों ये क्या है, ये डबल साइडेड होते हैं, ओनली शार्प इज कर्व, जो ऊपर का जो ओनली शेप इज कर्व टू प्रोवाइड गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कैसेट, उसका जो एक साइड का जो पार्ट है ना शेप, वही बस कर्व होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट और कैसेट के बीच का जो कॉन्टेक्ट होगा वो अच्छा रहेगा। मेनली अवेलेबल इन टू टाइप्स, और ये क्या है, ये दो टाइप से मिलते हैं। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप यूज व्हेन ऑब्जेक्ट कैसेट कॉन्टेक्ट, फर्स्ट टाइप में ऑब्जेक्ट और जो कैसेट है वो कॉन्टेक्ट कांट बी अचीव, जिसमें ऑब्जेक्ट और कैसेट के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो नहीं हो सकता विथ कन्वेंशनल फ्लैट कैसेट की वजह से। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप यूज टू ऑब्टेन व्यू ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला इन ऑर्थो डोंटिक रेडियोग्राफी, और जो सेकंड टाइप है वो हम ऑर्थोडोंटिक रेडियोग्राफी में मैंडिबल और मैक्सिला के लिए करते हैं। आप देखो टू टाइप्स ऑफ कर्व कैसेट, ये टू टाइप्स के कर्व हो गए ना, जो ए है जो लेफ्ट साइड का है इज यूज वेयर द नेसेसरी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कैसेट, ये वहां यूज किया जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और कैसेट का जो मतलब कॉन्टेक्ट है वो अचीव नहीं हो सकता, और जो बी पार्ट है यूज टू ऑब्टेन पैनोरामिक व्यू ऑफ मैंडिबल, ये मैंडिबल की व्यूज को देखने के काम आता है। थर्ड टाइप से हमारे ग्रिडेड कैसेट, ये क्या हैव इन सेकेंडरी रेडिएशन ग्रिड, मतलब इसमें सेकेंड रेडिएशन ग्रिड होती बिटवीन द किसके बीच, फ्रंट और फ्रंट ऑफ कैसेट, फ्रंट और फ्रंट की कैसेट के बीच में क्या होगी रेडिएशन ग्रिड लगी होगी। Use for radiography where a conventional bucky system is unavailable, मतलब ये वहां पे यूज की जाएगी जहाँ पे bucky system unavailable होगा, मतलब जहाँ पे वो चीज प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेक्शन कैसेट, मल्टी सेक्शन कैसेट में क्या होता है, इस मतलब डिजाइन टू होल्ड थ्री टू सेवन फिल्म, ये क्या करेगा तीन से चार सात फिल्मों को एक साथ रखेगा विथ देयर रिस्पेक्टिवली, और मतलब रिस्पेक्टिवली तीन से चार फिल्म होंगी वो होल्ड कर सकता है, एंड स्पेसर अबाउट 5 feet और 10 mm, और इसका जो स्पेसर की जो मोटाई होगी वो 5 से 10 mm के बराबर की होगी। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है स्पेसर का, फिल्म विच आर सेपरेटेड बाई 5 mm स्पेसर विल प्रोड्यूस इमेज ऑफ बॉडी सेक्शन 5 mm अपार्ट, लाइक वाइज विद 10 mm स्पेसर, मतलब जो हाँ स्पेसर है उसकी वजह से जो फिल्म है वो अलग अलग रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है
उसकी वजह से जो फिल्म है वो भी अलग अलग रहेगी और उसके साथ साथ वो उसकी जो मोटाई है स्पेसर की वो बढ़ती जाएगी इमेजेस के अकॉर्डिंग. यूज ऑफ मल्टी सेक्शन कैसेट की, मल्टी सेक्शन का कैसेट का यूज कहाँ का है? मोस्ट कॉमनली यूज इन टोमोग्राफी, ये सबसे ज्यादा सीटी स्कैन में यूज की जाते हैं क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्लाइसेस हमें मिलती हैं. तो मोस्ट कॉमन यूज इन टोमोग्राफी वेयर दे आर यूज टू प्रोड्यूस सेट ऑफ फिल्म ईच वेयरिंग इमेज ऑफ डिफरेंट लेयर हाइट विद इन द बॉडी विद वन एक्सपोजर. मतलब एक ही एक्सपोजर में हमें बॉडी के बहुत सारे क्या होते हैं स्लाइसेस मिलते हैं, तो उनको रखने के लिए हम मल्टी सेक्शन कैसेट्स का यूज करते हैं. अनदर यूज इन मल्टी रेडियोग्राफी, और दूसरा है ये मल्टी रेडियोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है बाय यूजिंग सिंगल एक्सपोजर. सिंगल एक्सपोजर में भी वो मल्टीपल रेडियोग्राफी के लिए यूज किया जाएगा. डिफरेंट इमेजेस हैव वेरी डेंसिटी एंड, और जो इमेजेस होगी वो अपनी डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैन बी प्रोड्यूस, इसमें कॉन्ट्रास्ट को यूज किया जाएगा. ठीक है, इन द मल्टीपल मल्टीपल रेडियोग्राफी प्रोसीजर कैसेट इज लोड विद सेट ऑफ फिल्म या वेरिंग स्पीड. मतलब जो हम मल्टीपल रेडियोग्राफी प्रोसीजर में जो कैसेट को जो लोड करेंगे उसमें बहुत सारे फिल्म के सेट होंगे और वो स्पीड में भी वेरी करेंगे. ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड यूज वन एक्सपोजर गिव सेट ऑफ फिल्म ईच विद डिफरेंट डेंसिटी. मतलब इसमें एक ही एक्सपोजर के थ्रू अलग अलग डेंसिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वेरिएशन देके फिल्म को रखेंगे. ठीक है, अब बात आता है वैक्यूम कैसेट. वैक्यूम कैसेट क्या है? मेड फ्रॉम द फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल, ये विनाइल मटेरियल की बनी होती है और फ्लेक्सिबल होती है. हैव ए वॉल्व अटैच एट वन एंड, और इसमें एक वॉल्व अटैच होगी. ठीक है, इनसाइड इज रिमूवेबल प्लास्टिक फोल्डर कंटेनिंग सिंगल, जो इनसाइड में एक रिमूवेबल प्लास्टिक फोल्डर होगा जो सिंगल होगा. फॉर यूज ए सिंगल साइड इमर्शन फिल्म, इसमें एक ही साइड इमर्शन फिल्म का यूज हुआ होगा. ठीक है, इंटरनल साइड में इंटायर फोल्ड स्पेस इनसाइड द कैसेट एंड सील, और जिसमें इंटायर जो फोल्ड है उसमें स्पेस होगी कैसेट और सील के बीच में. वैक्यूम पंप इज अटैच टू द वॉल, जो वॉल के साथ हमारा वैक्यूम पंप अटैच होगा एंड एयर एक्सपेल, और जो एयर होगी वो बाहर चली जाएगी. दिस ब्रिंगिंग द फिल्म इज क्लोज कॉन्टेक्ट, जिसकी वजह से जो फिल्म है वो इजिली कॉन्टेक्ट में रहेगी. अब ये देखो वैक्यूम कैसेट है ये. ठीक है, यूज ऑफ वैक्यूम कैसेट ये कहाँ कहाँ यूज इन मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में यूज होगी, ये जॉइंट रेडियोग्राफी में भी यूज होगी. ठीक है, अब आता है फॉर्मेटर कैसेट. जो फॉर्मेटर कैसेट क्या है, कंसिस्ट ऑफ फ्रेम डिजाइन टू होल्ड टू सिंगल साइडेड इमर्शन फिल्म बाय देयर एजेस. मतलब जो ये है ये फ्रेम डिजाइन है जिसमें दो सिंगल साइडेड इमर्शन फिल्म लगी होगी साइड साइड में. Also consist of two removable slide, और साथ साथ दो रिमूवल स्लाइड भी इसमें लगी होगी विच प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम लाइट एक्सपोजर, और वो फिल्म को लाइट एक्सपोजर से बचाएगी जब यूज नहीं होगा. ठीक है, डू नॉट कंटेन इंटेंसिफाइज, इसमें इंटेंसिफाई स्क्रीन नहीं लगी होगी. यूज इसका होगी, ये सीआरटी और टीवी में यूज होता है. जो सीआरटी है टीवी मॉनिटर होता है अल्ट्रासाउंड में, उसमें यूज होगा. न्यूक्लियर मेडिसिन में होगा, सीडीडीएसए और एमआरआई में भी यूज होगा. यूज इन कंजक्शन विद फॉर्मेटर या वीडियो इमेजर के तौर पर भी ये यूज किया जाएगा. लोडेड अंडर सेफ लाइट कंडीशन बाय रिमूवल द टू साइड स्लाइड एंड, इसमें सेफ लाइट अटैच होगी जो क्या करेगा दो स्लाइडों को अलग करेगा. स्लाइडिंग द इंडिविजुअल फिल्म, जो अकेला स्लाइड होगा इमर्शन साइड फेसेस, उसमें उस साइड में क्या होगा इमर्शन लगा होगा. इंश्योर दैट दे आर सिक्योरली हेल्ड इन साइड चैनल बाय देयर लॉन्ग एज. Finally, slide are inserted. ठीक है, when required for use, cassette is inserted into multi-format images. जब भी इसका use करना होगा cassette को, तो हम इसको multi-format images में insert करेंगे and slide nearest to film. और जो slide होगी, बहुत ही पास film के पास आ जाएगी और exposure को remove करेगी. अब बात आती है angiography cassette. Angiography जो होती है, वो इसमें हम blood vessels की स्टडी के लिए यूज कर. तो एंजियोग्राफिक एसिड क्या है, कैन होल्ड 30 शीट ऑफ, जो एंजियोग्राफिक एसिड होगी वो कम से कम 30 शीट को कैसेट कैरी करेगी. मतलब तीन जो 30 फिल्म है उसको कैरी करेगी. साइज जो होगा 35
इंच 35x35 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगा। आफ्टर लोडिंग या स्लाइडिंग द टू पैनल, जब भी हम इस पे लोडिंग या स्लाइडिंग करेंगे दोनों पैनल में, द कैसेट कैन बी इंसर्ट इनटू एओटी इक्विपमेंट, और उसको हम एओटी इक्विपमेंट में इंसर्ट कर देंगे। एक्सपोज फिल्म विल हैव बी ट्रांसफर, जो एक्सपोज फिल्म होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी इसके थ्रू, एक्सपोजर एरिया ऑफ एओटी अपरेटस के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। बटन ऑन द फ्रंट इज प्रेस क्लोजिंग द स्लाइडिंग लीड, और जो सामने जो बटन है उसे प्रेस करने से जो स्लाइडिंग लीड है वो बंद हो जाएगी। टेक अप कैसेट कैन, उसके बाद कैसेट को लेंगे और कैन देन टेकन टू डार्क, और उसको हम डार्क रूम में ले जाएंगे और प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारी AO2 फिल्म है जिसमें हमने इमेजेस ली होती है, फिर हम इसको डार्क रूम में जाते और फिर हमें वहाँ पे प्रॉपर इमेजेस मतलब हार्ड कॉपी में, हार्ड मतलब ये कह लो जो हमें फिल्म मिलती है वहाँ पे डार्क रूम में जाके एक स्पेसिफिक जो इमेजेस है वो मिलती है हमें। फोटो फोटोग्राफी कैसेट, जो फोटो फोटोग्राफी कैसेट्स है वो क्या है, जो फोटो फोटोग्राफिक या रिकॉर्डिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम आउटपुट फॉस्फोर इमेजेस इंटेंसिफाइड यूजली कैरेट, मतलब जो फोटो फ्लोरोग्राफी है या रिकॉर्डिंग ऑफ इमेजेस है वो आउटपुट फोरस होंगी। ठीक है, जिसमें हमें क्या होंगी अराउंड 70 mm या 105 mm रोल फिल्म प्रेजेंट होंगी। ऑल द अबव वेरियस फिल्म फॉर्मेट हैव देयर इंडिविजुअल कैसेट, और हर किसी का एक इंडिविजुअल कैसेट सिस्टम है। अब है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो हम सीटी स्कैन में यूज करते हैं। यूज PSP प्लेट इन प्लेस ऑन फिल्म, यहाँ पे हम फिल्म की जगह पे PSP प्लेट का यूज करते हैं और स्क्रीन का यूज करते हैं। प्लेट आर कोटेड विद यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरो हैलाइड, जो हमारा जो प्लेट यूज की जाती है वो यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरो हैलाइड से कोटेड होती है। हैलाइड यूज में भी ब्रोमाइड, हैलाइड में मोस्टली ब्रोमाइड यूज किया जाएगा, आयोडाइड यूज किया जाएगा, या दोनों को हम यूज कर सकते हैं। कैसेट आर यूज जस्ट लाइक कन्वेंशनल कैसेट, जो कैसेट्स होंगे उनको कन्वेंशनल कैसेट के रूप में ही हम यूज करेंगे और नॉर्मल रेडियोग्राफी के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन PSP, जो इंफॉर्मेशन होगी वो PSP में स्टोर हो जाएगी, और ठीक है इमेजिंग प्लेट पे स्टोर हो जाएगी एज ए इलेक्ट्रॉन एंड सेमी स्टेबल हाई एनर्जी स्टेटस। इमेज फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय स्कैनिंग द प्लेट बाय लेजर बीम, और जो इमेज का जो इंफॉर्मेशन होगा वो हमें तब मिलेगा जब हम प्लेट को लेजर बीम के अंडर स्कैन करेंगे। रेड लेजर लाइट एक्साइट दिस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग स्कैन, स्कैनिंग के टाइम जो रेड लेजर होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगी। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम हायर एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएंगे जिसकी वजह से, ठीक है, एंड कम डाउन टू द, उसके बाद वो बेस लेवल पर वापस आ जाएंगे। दे एमिट हाई एनर्जी ब्लू लाइट, और ये हाई एनर्जी ब्लू लाइट को एमिट करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। दिस लाइट इज कैप्चर बाय लाइट गाइड, और जो ये लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो लाइट गाइड से कैप्चर हो जाएगी एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी, एम्पलीफाई हो जाएंगे, डिजिटाइज हो जाएंगी एंड इमेज, उसके बाद हमें इमेजेस मिलेंगी। इमेजिंग प्लेट इज रेडी फॉर रीयूज आफ्टर एक्सपोजर ऑफ वाइट लाइट, उसके बाद जब इसको हम वाइट लाइट में एक्सपोज कर देंगे तो वो दोबारा से जो हमें जो हमारी जो प्लेट है इमेजिंग वो दोबारा से हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। पेशेंट इंफॉर्मेशन कैसेट आईडी नीड टू बी लिंक इन CR सिस्टम, CR सिस्टम के लिए पेशेंट की इंफॉर्मेशन और कैसेट आईडी की जरूरत होती है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन CR रीडर एंड कैसेट, क्योंकि CR रीडर और कैसेट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। एक बार कोड रीडर या चिप एम्बेडेड ऑन द CR कैसेट, एक बार कोड या चिप होगा वो हमारे CR कैसेट पे अटैच होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारा रेडियोग्राफिक एक इमेजेस में पेशेंट पे एक्सरे दी जा रही है, उसके बाद एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीजें काम कर रही है। अब ये देखो पीछे से एक्सपोज हो रहा है, मतलब जो एक्सरे है वो पीछे से एक्सपोज हो रहा है और पेशेंट के आगे हमने कैसेट्स रखी है, तो वो जो एक्सपोज लाइट हुई है वो कैसेट्स पे पड़ेगी और इमेजेस फॉर्म होंगी। लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसेट, द लाइफ ऑफ डिपेंड ऑन द केयर ड्यूरिंग फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग, जो
जो कैसेट्स की लाइफ है वो डिपेंड करती है फिल्म की लोडिंग या अनलोडिंग पे। अगर हम अनलोडिंग की बात करें तो क्या है, अंडर सेफ लाइट, मतलब सेफ लाइट के अंदर कैसेट इज प्लेस फेस डाउनवर्ड ऑन द बेंच, मतलब इसमें जो कैसेट का जो फेस होगा वो डाउन बेंच के डाउनवर्ड होगा एंड लॉकिंग क्लिप रिलीज, जिससे लॉकिंग क्लिप रिलीज हो जाएंगी। कैसेट इज देन टर्न ओवर, और उसको कैसेट को हम टर्न कर देंगे, द फ्रंट ऑफ द कैसेट इज ट्रिप सो दैट फिल्म फॉल फ्रॉम द कैसेट, और फ्रंट को हम खोल देंगे जिसकी वजह से जो फिल्म होगी वो बाहर आ जाएगी। फिल्म इज रिमूव, और तब हम फिल्म को वहां से रिमूव कर देंगे विथ फ्री हैंड एंड कैसेट लोडेड, उसके बाद हम कैसेट को लोड कर देंगे। अब बात आते हैं लोडिंग, अंडर सेफ लाइट कैसेट इज प्लेस फेस डाउन, उसमें भी हम कैसेट को का जो फ्रंट पार्ट है उसे फेस डाउन कर देंगे बेंच पे एंड बिफोर ओपनिंग द बैग, और खोलने से पहले हम उसे डाउनवर्ड कर देंगे। द अनएक्सपोज फिल्म टाइटली ग्रिप, जो अनएक्सपोज फिल्म होगी वो टाइटली उससे अटैच होगी, ठीक है। कैसेट क्लोज बाय ब्रिंगिंग ओवर द बैग, और कैसेट को दोबारा से हम पलट के बंद कर देंगे, एंगेज द लॉकिंग क्लिप, और दोबारा से लॉकिंग क्लिप को एंगेज कर देंगे। अब बात आती है केयर ऑफ कैसेट्स की, कैसेट्स की हम केयर कैसे करते हैं कर सकते हैं, तो शुड बी ट्रीटेड जेंटली, उसको नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। नंबर ऑफ कैसेट कैरिड एट ए टाइम शुड बी लिमिटेड, मतलब जो कैसेट के नंबर है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे लिमिट होनी चाहिए। शुड बी कैरिड सिक्योरली बिटवीन बॉडी एंड आर्म, और उसको बॉडी और आर्म के बीच में सिक्योर करके चलना चाहिए, ठीक है। विथ फिंगर होल्डिंग देयर बटन एज, और फिंगर को उनके बटन एज को पकड़ के रखना चाहिए। इफ स्टोर इन एज इट शुड बी इंश्योर दे आर नियर वर्टिकल या पॉसिबल, अगर इसको हम एजेस को हम स्टोर करते तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो वर्टिकल ही होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट विद फ्रूट शुड बी अवॉइडेड, और जहां तक हो सके कैसेट को किसी भी फ्रूट के कॉन्टैक्ट में आने से रोकना चाहिए।